नमस्कार भूखल सर, स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, हम 11th क्लास के अंदर काइनेमेटिक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और आज हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो डियर लर्नर, अगर आप में से किसी ने, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो, अगर प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, सो दैट कि आपको इन क्वेश्चंस को करते हुए ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ऐसे ही आप भी खुद इनके अलावा और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ दो चार क्वेश्चन कर लेंगे उससे हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती है। और 11th, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पोर्शन जो है 11th क्लास से पूछा जाता है, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि 11th क्लास को बहुत सीरियसली लेके चले। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसमें टू वैक्टर्स ए इज इक्वल्स टू 5i प्लस 7j माइनस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस अल्फा k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और एक बी वेक्टर के अंदर हमें कोई कोफिशियंट अल्फा दे रखा है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बतानी है। हमें गिवन क्या है, दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इसी न्यूमेरिकल से। गिवन क्या है अपने को, गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 5i प्लस 7j माइनस 3k एंड बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, बी वेक्टर हमें गिवन है 2i प्लस 2j माइनस अल्फा के, माइनस अल्फा के ये हमें गिवन है। अब ये गिवन क्या है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हमें ये बताना है कि ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसके लिए आपको करना क्या होता है, बहुत ही ईजी है, वो ये कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मैं ले लेता हूं ए डॉट बी, ए डॉट बी। याद होगा हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या लिखा था, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, हम ये लेते होते हैं। अगर ए डॉट बी कोस थीटा यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या गिवन है, थीटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थीटा हमें गिवन है 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो इसमें वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू आप सबको पता है जीरो होती है, कोस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो अब अगर ये जीरो है तो ये सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जीरो, ये कंसेप्ट हम यूज करके चलेंगे तो हमारा अल्फा यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से, मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं 5i प्लस 7j माइनस 3k डॉट 2i प्लस 2j माइनस अल्फा k इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी और किसी के साथ में 0 होता है। तो हम सिंपली i का i के साथ यानी 5 to the 10 i डॉट i 1 प्लस 7 प्लस 2j 7 to the 14 प्लस का ही आ रहा है, यहां पे j डॉट j 1 हो गया, माइनस 3 अल्फा, माइनस 3 अल्फा इक्वल टू जीरो। तो ये हम y वैल्यू कितनी होगी, 24 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू जीरो, और माइनस अल्फा, माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24, और यू कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 3 दैट इज 8। सो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। ए फोर्स ऑफ 7i प्लस 6k, ए फोर्स ऑफ 7i कैप प्लस 6k, ठीक है। न्यूटन मेक्स ए बॉडी मूव ऑन ए रफ प्लेन विद ए वेलोसिटी ऑफ
3J प्लस 4K मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट दी पावर इन वाट। हमें ये न्यूटन में गिवन है, और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कितना दिया है, वेलोसिटी वेक्टर 3J प्लस 4K मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। सो वी हैव टू कैलकुलेट पावर, और वो वाट में हमें कैलकुलेट करके बताने कितनी होगी। तो जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, हमें दो वैल्यू गिवन है, फोर्स एंड वेलोसिटी, इससे पावर कैसे निकाले। डियर स्टूडेंट, अभी आप लोगों को शायद ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, ये डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन है। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट अच्छे से करवा रखा है। फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पावर होता है, याद रखना। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर वैल्यू, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और वेलोसिटी दोनों हमारे वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। तो सिंपली आपको यहां पे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, इज इक्वल टू 7i + 6k डॉट 3j + 4k। ठीक है, आगे का आपको बहुत ही पता है, सीधे सीधे i का i के साथ, j का j के साथ, और k का k के साथ। देखिए i यहां पे है नहीं, तो किसी और के साथ भी, इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे तो जीरो वैल्यू होगी। k का करते हैं, इसके साथ करोगे जीरो होगा, इसके साथ करोगे तो 3, 4 × 6 कितना हो गया 24, k डॉट के 1। सो वाट में ये वैल्यू आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, थ्री वेक्टर ए बी एंड सी आर सच दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड आर 5, 4 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। हमें ए और सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए का जो मैग्नीट्यूड है 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 3 है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो इस तरीके से हमें ये सब चीज पता है, तो हमें एंगल किस किस के बीच फाइंड आउट करना है, ए और सी के बीच में। गिवन जो है वहीं से शुरू करते हैं। गिवन क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर, एंगल किस किस के बीच निकालना है, ए और सी के बीच। तो ए और सी को एक तरफ रख लीजिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं। अब आपको क्या करना है, बी डॉट बी ले लीजिए, यहां से एंगल इनके बीच फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, नाउ बी डॉट बी, और इसका अगर हम बी डॉट बी ले रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, ए माइनस सी डॉट ए माइनस सी। ठीक है, बी डॉट बी वेक्टर की प्रॉपर्टीज याद कीजिए जो मैंने आपको करवाई थी। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम वेक्टर के अंदर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा ए स्क्वायर होता है। होता क्यों है, फॉर्मूला देखिए, अगर a डॉट b होता तो आप क्या लिखते हो, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। अगर सेम वेक्टर है तो एंगल कितना होगा, जीरो होगा, cos 0 1 होता है, तो a into a क्या हो जाएगा, a square। तो यहां पे मैंने अभी b डॉट b लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा b square is equals to, अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ। पहले हमें a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ, फिर हम माइनस a डॉट c माइनस सी डॉट ए एंड माइनस माइनस प्लस सी डॉट सी। ठीक है, वेक्टर में आपने एक चीज और नोटिस किया था कि जब भी मैं ए डॉट बी लिखता हूं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज बी डॉट ए, ये भी लिखा जा सकता है। तो यहां इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, अब ये माइनस ए डॉट सी, यहां माइनस का क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस का लिया है हमने। ठीक है, दोनों माइनस लिया है तो ये किस तरीके से क्या बन जाएगा, माइनस टू ए सी, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, साइन चेंज नहीं होगा यहां पे, प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट सी इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2ac इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप। और अभी a डॉट c कैन बी रिटन एज
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आपने लिख लिया। अच्छा, ये जो अभी आपने लिखा है इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका वैल्यू होता है ए सी कॉस ऑफ थीटा, ए सी कॉस ऑफ थीटा, ए डॉट सी की वैल्यू जो है वो क्या होता है ए सी कॉस ऑफ थीटा। ये कहां से आया है? ये मैंने आपको जैसे पढ़ाया था, ए डॉट बी अगर है तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। सो हमें तो एंगल फाइंड आउट करना था, तो यहां से हमें एंगल मिल सकता है। और इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप यहां लिख देता हूं, देखिए 2ac इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये 2 यहां उधर चला जाएगा, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास 2ac cos ऑफ थीटा था, यहां पे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी और ac जो है यहां नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, ये इसके इक्वल था ac cos ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ac cos ऑफ थीटा, cos थीटा निकालना है तो ac इसके नीचे चला जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो अब जो है आपको ए बी सी इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास है, इनकी वैल्यू पुट कीजिए सिंपली, cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए यानी 5, सी की वैल्यू 3 है, तो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और ये वैल्यू आ रही है आपकी इक्वल टू सोल्व करके 18 डिवाइड बाय 30, और यू कैन राइट इट 18 डिवाइड बाय 30 का मतलब है cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, और थीटा अगर आप लिखोगे तो cos इनवर्स 0.6, ये एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, रीबैक करके देख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत इजी है। इसमें भी आपको करना क्या है, जो चीज गिवन है उसी चीज को उठाइए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ आपने क्या किया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया ये लो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है इनको सेपरेट कर लीजिए, स्क्वायर का मतलब ये बन जाएगा हमारा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पीएमटी में भी आ चुका है, ठीक है, ये पीएमटी 2000 में आ चुका है, सीबीएसई पीएमटी के अंदर ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी ये लिख सकते हो आप। अब आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए डॉट ए ए डॉट बी अब प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी ये बनेगा। नेक्स्ट इसके भी इसी तरीके से दोनों के साथ कीजिए, पहले ए डॉट ए और फिर बी के साथ माइनस ए डॉट बी, और इसका इसके साथ करोगे तो माइनस बी डॉट ए इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपको बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही चीज होता है, यहां पे ये क्या बन जाएगा ए डॉट ए ए स्क्वायर, ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 2a डॉट बी और प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बनेगा ए स्क्वायर, ये भी ए डॉट बी बी डॉट ए एक ही है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2a डॉट बी। ध्यान रहे गलती मत कर देना, बी डॉट ए से ए डॉट बी बनाते हुए माइनस का साइन ऐड नहीं करना है, ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है डॉट प्रोडक्ट में नहीं, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास जो टर्म बची है वो है 2a डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2a डॉट बी, ठीक है, और इसमें भी आपको जो चीज समझ आ रही है, देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको उठा के इधर ले आइए या फिर आप इसको 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस का है उठा के इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2a डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया 0, या ये कहें
कि a डॉट b इक्वल टू जीरो, और ये आपको अच्छे से पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब उनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और नहीं पता तो इस तरीके से कर भी सकते हो, a डॉट b को मैं लिख सकता हूं ए बी कोस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो, या फिर कह सकते हैं कोस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं हो सकता, कोस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो है, और कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा हमारा कितना हो 90 डिग्री। सो इन दिस वे इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो क्या है, डिटरमाइन द एंगल विच द वेक्टर ए इक्वल टू 5i प्लस 0j प्लस 5k मेक्स विद एक्स वाई जेड एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट, हमें जो है एक वेक्टर गिवन है, और वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। वो कैसे निकालोगे, आपको पता है आई जे के की कॉफिशियंट्स का स्क्वायर, उनका सम और उसका अंडर रूट, यानी 5 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। सो ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 25 और ये हो जाएगा 50, और यू कैन से दैट 50 का मतलब कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये हमारा ए का मैग्नीट्यूड है। अगर ये आपको समझ आ गया, इसके बाद एंगल फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। डायरेक्शन कोसाइन याद कीजिए, जो हमने लेक्चर्स में पीछे किया हुआ है, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल विच वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, और उसको हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आ गया, अब यहां से ए एक्स की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी 5 अंडर रूट 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 2। सो कॉस अल्फा की वैल्यू अगर 1 बाय अंडर रूट 2 है, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा 1 बाय अंडर रूट 2, ऐसा आपको टेबल पता है। इसी तरीके से कॉस ऑफ बीटा अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ए वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए वाई की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, और ये भी 0 आ गया। कॉस बीटा की वैल्यू अगर 0 है, सो बीटा कैन बी रिटन एज 0। कब होता है कॉस बीटा की वैल्यू अगर 0 है, तो बीटा की वैल्यू डेफिनेटली 90 डिग्री होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉस ऑफ गामा कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस ऑफ गामा दैट इज ए जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए जेड की वैल्यू आपको पता है 5 है डिवाइड बाय 5 अंडर रूट 2, 5 विल गेट कैंसिल 1 बाय अंडर रूट 2। सो कॉस ऑफ गामा की वैल्यू अगर 1 बाय अंडर रूट 2 है, देन डेफिनेटली गामा कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, देन प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 है। ये हमें प्रूव करना है। हमें गिवन है 2 यूनिट वेक्टर ए एंड बी विच आर ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर विच आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, देन वी हैव टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम प्रूव कैसे करें, अभी मैंने आपको एक चीज जो पढ़ाया है उसी को यहां पे यूज करना है। अभी पहले के क्वेश्चन में भी हमने किया है। सिंपली आपको क्या करना है, ये टर्म लीजिए और इधर इसको हम करेंगे, जैसे ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये मैंने लिया और इसको हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में आपने सीखा क्या है, ए वेक्टर जो होता है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो किसके बराबर होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए वेक्टर या फिर इसको सिंपली ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है ये। तो मैंने यहां पे इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसका सिंपली बन जाएगा ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो आपको पता है ए यूनिट वेक्टर पहले ए का ए के साथ बी के साथ, फिर यूनिट वेक्टर ए और फिर माइनस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, अब बी का ए के साथ करेंगे माइनस बी यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी।
ठीक है। अब ए यूनिट वेक्टर ए जो है ये किसके बराबर होता है? देखिए कोई भी यूनिट वेक्टर है और उसी के यूनिट वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमेशा वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये याद रहे, यानी इसको मैं बता देता हूं यहां सेपरेट। जब भी आप जैसे मान लिया यहां पे मैंने ए यूनिट वेक्टर ए लिया है तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन देम, ठीक है। जब ये एंगल जो वेक्टर ही एक है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, और इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वन, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वन, वन इंटू वन कितना हो गया वन के इक्वल ही होगा। तो ये हमारा वैल्यू किसके बराबर होगा, वन के, ये याद रहे। देखो मैन ये यहां पे ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए, ये कंसिडर मत कर बैठना, ये एक नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। यहां यूनिट वेक्टर तो ये कितना हो गया वन माइनस ए डॉट बी बी डॉट ए, तो इनको हम बी डॉट ए को भी ए डॉट ए ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा टू ए डॉट बी और प्लस बी डॉट बी वन। सो इन दिस वे वन प्लस वन टू माइनस टू, ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां देखिए इनके बीच में एंगल थीटा उसने गिवन भी है, ए डॉट बी यानी इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये वन होता है इंटू वन इंटू वन। मैंने बताया जैसे यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा किसके बराबर है, वन के इक्वल है, ऐसे ही बी का, तो इंटू में कॉस ऑफ, क्योंकि ये आइडेंटिटी खोल रहे हम ए डॉट बी, तो इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा। सो ये हमारा आ जाएगा टू कॉमन ले लिया मैंने वन माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है वो हम लिख देते हैं, वो ये है कि वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पे डबल है एंगल और यहां हाफ है, यहां हमारे पास थीटा है तो थीटा बाय टू हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूले की जगह मैंने ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम यहां यूज कर रहे हैं, टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू टू साइन स्क्वायर, यहां थीटा है तो थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा बाय टू, सो वी कैन से दैट फोर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। और इधर हमारी टर्म जो है वो क्या चल रही थी, वो हमारी चल रही है ए डॉट ए माइनस बी यूनिट वेक्टर उसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अगर हम यहां से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट फोर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और सिंपली टू साइन थीटा बाय टू के बराबर आ जाएगा, ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी वेक्टर, सॉरी कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर ए इक्वल टू थ्री आई प्लस फोर जे एंड बी इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस सेवन जे। कोई पैरेललोग्राम बन रहा है और उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इन वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है, तो उस पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली दो एडजेसेंट साइड का वेक्टर जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहां यही करना है आपको, क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है और इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका आपको मैट्रिक्स मेथड बताया था, I, J एंड K, और ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, मैंने इस तरीके से आप लोगों को बताया था, पहले A वेक्टर है तो A वेक्टर के 3i यानी 3, 4 और यहां क्या होएगा 0, B माइनस 3, 7, 0, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आता है देखते हैं, I पहले प्लस I, ये कॉलम और ये रो, तो 4 इंटू जीरो जीरो
माइनस जीरो, माइनस जे, ये और ये हट जाएगी, थ्री इंटू जीरो यानी जीरो, माइनस जीरो, अब प्लस का के, तो अब क्या आएगा देखिए, अब ये और ये हटेगी और ये एलिमेंट रह जाएंगे इनका, थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी सेवन, माइनस और तीन चौक बारह यानी माइनस और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये जीरो हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री थर्टी थ्री के, इसके बराबर आ गया ए क्रॉस बी। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एरिया ऑफ पैलोग्राम, एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या बताया था, सिंपली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करोगे तो यही वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड, के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए 33 स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो यानी 33 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, जो भी यूनिट होगा वो यूनिट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे है, क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर विच इज 2i प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर i माइनस जे प्लस 2k कैप। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी हमें कैलकुलेट करना है, इसका मेथड क्या है, इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर ही होता है, तो ये इटसेल्फ कोई सी वेक्टर बन जाएगा मतलब। अब आपको इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताना है और उसका यूनिट वेक्टर, तो परपेंडिकुलर ये सी वेक्टर डेफिनेटली ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, साथ में परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी के प्लेन के साथ भी, ए क्रॉस बी जो बनेगा उसके परपेंडिकुलर भी होगा, तो इसके परपेंडिकुलर सी वेक्टर हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, सी का यूनिट वेक्टर कैसे बनाते होते हैं, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, बस यही काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूं फटाफट, यहां से सबसे पहले हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं और आई जे एंड के, आई जे के की वैल्यू आउटपुट कीजिए 2 1 1 1 माइनस 1 2, और इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करोगे तो यहां से जो वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आप खुद करके देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है हमारी 3i माइनस 3j माइनस 3k, हमारा ये वेक्टर आ जाता है इससे, और अगर ये वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा हमें, इसको आपने सी वेक्टर कंसिडर कर लिया सपोज करो, तो इसका यूनिट वेक्टर सी बनाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 9 प्लस 9 27, और 27 का कितना आ जाएगा हमारे पास में 3√3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में यूज करो इसको, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, तो सी कैप दैट इज इक्वल्स टू 3i माइनस 3j माइनस 3k डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 3, ये आ जाएगा, और आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय अंडर रूट 3, 3 कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, i माइनस j माइनस k, इस तरीके से ये यूनिट वेक्टर होगा जो a और b वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, वी हैव टू प्रूव ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए क्रॉस बी। देखिए ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए क्रॉस बी, ये हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो, इसको लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी और इक्वल टू क्या होगा, देखिए पहले ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फिर बी के साथ, तो इसको लिखेंगे हम ए क्रॉस ए
फिर ए का बी के साथ माइनस ए क्रॉस बी। देखिए सीक्वेंस मत गलत कीजिए, जब आप इसको बी के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो तो बी क्रॉस ए मत लिख देना, ए क्रॉस बी ही लिखा जाएगा। अब इसका इसके साथ करो तो माइनस पहले बी है तो बी क्रॉस ए, इसको थोड़ा नीचे ही लिख देता हूं ताकि आपको वहां दिक्कत आ रही होगी, ए क्रॉस ए, नेक्स्ट बनेगा हमारा प्लस ए क्रॉस बी, फिर बी का ए के साथ माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो, पढ़ा चुके हैं। और मैंने ये भी पढ़ाया था ए क्रॉस बी अगर है तो उसको हम माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे यही प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, ये जीरो हो गया, ये ए क्रॉस बी है तो ये माइनस है तो इसको भी ए क्रॉस बी बना लेते हैं, माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस ए क्रॉस बी बन गया प्लस जीरो। अब ये देखिए कितना है, टू इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, आज खुद के लिए भी एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको खुद करके देखना है और मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे आपको वो सेंड करना है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आप लोगों को सबको पता भी होगा, और जो जो बच्चे देख रहे हो मेरे व्हाट्सएप पे, इसको आप इसका आंसर फाइंड आउट करके सेंड करोगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द टिप ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस थ्री कैप, बी इज इक्वल टू फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप एंड सी इज इक्वल टू थ्री आई माइनस जे प्लस टू के। ये किसी ट्रायंगल के टिप वेक्टर्स हैं। टिप वेक्टर से हमारा मतलब है कि एक ट्रायंगल जो है हमारे पास ये है, ये ट्रायंगल होगी और ये ए ये बी और ये सी, ये पॉइंट हो गए, ये टिप वेक्टर आप कंसीडर कर सकते हो, इसके पॉइंट्स आपको पता चल गए, इसका मतलब ये ए है तो ए वेक्टर के टिप पॉइंट जो हो जाएंगे वन माइनस वन माइनस थ्री, और बी के क्या होंगे, बी के होंगे फोर माइनस थ्री वन, और सी के क्या होंगे, थ्री माइनस वन और टू, ठीक है, ये गिवेन है। भाई इस क्वेश्चन को करें कैसे, अब ये टिप पॉइंट है ये वाले, ठीक है, कॉर्नर के। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन तीनों साइड की लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए है, ठीक है, वेक्टर पता चल जाए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी या सी ए या सी ए सी या सी ए कह सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, और सपोज करो मैं इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको बी से और इसको सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, तो हमारा ए वेक्टर पहले हम कैसे कैलकुलेट करें, ए वेक्टर को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, चाहे बी माइनस ए कर लीजिए, बी माइनस ए मैं ले लेता हूं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो x का x में से माइनस कीजिए, y का y में से, j का z का z में से, ठीक है, 4 माइनस वन आई कैप, ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस वन जे कैप, प्लस वन माइनस माइनस प्लस थ्री के कैप, ठीक है, ये बन जाएगा थ्री आई माइनस टू जे प्लस फोर के, ये वेक्टर बन गया हमारा ए। इसी तरीके से आप बी निकालोगे और इसी तरीके से सी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जब आपका ए बी सी आ जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है वो समझिए, उनका मैग्नीट्यूड आपको कैसे बताया था मैंने, ट्रायंगल का एरिया निकालना कैसे बताया था, ट्रायंगल का एरिया जो है कोई भी दो साइड आप लीजिए, चाहे ए या बी साइड का मैग्नीट्यूड, तो उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के उसका हाफ कर देते हैं, तो यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू वन बाय टू, और मैग्नीट्यूड ऑफ टू साइड अगर हमारी ये और ये आप लेते हो ए और बी, तो बी और आप निकाल लेना और उसकी वैल्यू यहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, जैसे मान लिया मैंने ए क्रॉस बी ले लिया, ठीक है, इस तरीके से आप
निकाल सकते हो। तो ये भी आपको करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद निकाल के बताओगे मुझे। मैंने आपको एक हिंट दे दिया ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से बी वेक्टर माइनस, जैसे 4-3 आई, -3 -1 जे, 1-2 ए, तो आपका इस तरीके से ये एक वेक्टर बन जाएगा। और ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के उसका मैग्नीट्यूड और उसका हाफ ये ट्रायंगल का एरिया होगा। तो इस तरीके से आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको मिल गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप फाइंड आउट करके मुझे व्हाट्सएप करोगे इस कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, और डियर लर्नर्स आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करवाइए, जितने लोग जोड़ सकते हो आप जोड़िए। ठीक है, और 9th से 12th के जो स्टूडेंट है खास करके उनको जरूर कहिए कि ये चैनल जरूर देखें। देखिए, आपके कैरियर का सवाल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है, उसका फायदा उठाइए, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी आगे। ठीक है, आज इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।